नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती की गुत्थी हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी उलझती नजर आ रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये तो साफ हो चुका है कि इस बहुचर्चित शिक्षक भर्ती में बड़े स्तर पर आरक्षित सीटों पर छेड़छाड़ की गई थी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में न्यायालय का फैसला आने के बाद अब नौकरी जाने से भयभीत जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परेशान करने वाला विषय है। पूरा मामला समझने के लिए आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आवाज दो, हाई कोर्ट ने माना है आरक्षण घोटाला है, हाई कोर्ट ने माना है आरक्षण घोटाला है, डबल बेंच ने माना है आरक्षण घोटाला है, योगी जी ने माना है आरक्षण घोटाला है, योगी जी ने माना है आरक्षण घोटाला है, केशव जी ने माना है आरक्षण घोटाला है, केशव जी ने माना है आरक्षण घोटाला है, अनुप्रिया जी ने माना है आरक्षण घोटाला है, अनुप्रिया जी ने माना है आरक्षण घोटाला है, हम सब न्याय उठाना है, नियुक्ति लेकर जाना है, हम सब न्याय उठाना है, नियुक्ति लेकर जाना है, बहुत जनों ने ठाना है, नियुक्ति लेकर जाना है, बहुत जनों ने ठाना है, नियुक्ति लेकर जाना है, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए माननीय योगी जी, हमारे 4 साल छीन लिए गए हैं, किसी से छिपा नहीं है, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। हमें जिस बात का डर था, बहुत सारे मीडिया भी आई और सवाल भी किए कि जब हाई कोर्ट का आदेश है तो आप लोग धरना क्यों कर रहे हैं, तो उसका शायद जवाब उन लोगों को मिल गया होगा कि धरना करने का उद्देश्य केवल ये था कि हमें हमारे समय पर नौकरी मिल जाए, हमें नियुक्ति मिल जाए, जो सपने हमारे अधूरे रह गए, जो हक अधिकार हमें 4 साल पहले मिल जाना चाहिए था नहीं मिल पाया, उसका जिम्मेदार कौन है ये बाद में तय होगा, लेकिन पहले हमें हमारा हक मिल जाए, इसी बात का हमें डर था और वही हुआ। चीज़ें हाई कोर्ट की से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट की ओर जा रही हैं। अभी भी समय है आपके पास, हमें न्याय दे दीजिए। हम बहुत परेशान लोग हैं, हमने संघर्ष किया है और ये बात किसी छिपी नहीं है। अभी तक कोर्ट का बहाना था कि मामला कोर्ट में है, जैसे ही कोर्ट से फैसला आएगा हम आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे बढ़ने में कितना समय लेंगे आप? बहुत हो गया समय, बहुत हो गया हम लोगों का संघर्ष, अब थक गए हैं हम लोग, नौकरी करना चाहते हैं, संघर्ष करने के लिए धरना करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारा काम नौकरी करना है, बच्चों का भविष्य बनाना है, अपना वर्तमान सुधारना है। धन्यवाद। देखिए हमारी मांग इतनी ही है कि हमारी काउंसिल शेड्यूल जारी की जाए, हमें हमारे हाथों पे नियुक्ति पत्र देकर हमें हमारे विद्यालय तक पहुँचाया जाए। हमें हमारी लड़ाई ना सरकार से है, ना अधिकारियों से है और ना हमारे मुखिया से है, हमारी लड़ाई है नियुक्ति के लिए और वो हमें देकर हमें हमारे विद्यालय तक पहुँचा दिया जाए। और जहाँ तक है जनरल वर्ग के बच्चों की बात है, तो हमें उनसे कोई द्वेष नहीं है, उनको समायोजित करते हुए हमें भी हमारे हक अधिकार से वंचित ना रखा जाए। अभी तक कितना धरना हुआ लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुनी, बस उनके पास एक ही बहाना रहता था, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है आपका मामला। अब तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दे दिया लेकिन सरकार अभी भी नहीं कर रही है। हालांकि माननीय योगी जी ने अपना काम किया, उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग करी और उन्होंने निर्देश भी दिए स्पष्ट कि इन बच्चों का होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ चीज़ें सिर्फ एक दिख ही रहा है, लेकिन धरातल रूप से कुछ नहीं हो रहा है। निवेदन है हमारा जो है माननीय जी से कि हम सबको जल्द ही जो है नियुक्ति पत्र दें, हमारा काउंसलिंग शेड्यूल जल्द जारी करें। हमारी लड़ाई जो है वो सरकार से नहीं है, अंदर बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारियों से है। यही भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने हमारे नौकरी से हमें वंचित रखा है और यही अधिकारियों को फिर से वही लिस्ट निकालने के लिए दे दी गई है, ताकि वो हमारा नाम जो है फिर से वहाँ से कोई घपलेबाजी कर ले या फिर वहाँ पे हमारा नाम जो है इंक्लूड ना करे। और इसीलिए हमको यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है अपनी लिस्ट को फिर से बचाने के लिए। और हमें जो कि डर है और वो अब लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं जनरल वर्ग के बच्चे जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले ही जाएंगे और ऐसा होने ही वाला जल्द से जल्द। अब देखिए बात यह है कि सरकार को हमें नियुक्ति अब तक दे देनी चाहिए थी, त्वरित न्याय जब योगी जी ने लिख दिया है ट्विटर पे त्वरित न्याय। त्वरित न्याय का अर्थात क्या होता है? 90 दिन का समय मांगा गया है, जो कि मुझे लगता है कि 90 दिन कंप्लीट होंगे उसके बाद आप नहीं करेंगे, उसके अंदर ही आपको करना है। त्वरित मतलब आपको तुरंत वो कर देना चाहिए, एक क्लिक पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप एक्सेल शीट बना सकते हैं, वहाँ से चीज़ों को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि जल्द से जल्द जो है नियुक्ति दे देनी चाहिए।
एक कहावत है, सच परेशान जरूर हो सकता है किंतु परास्त नहीं हो सकता है। यह कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती के दलित पिछड़े अभ्यर्थियों की, जो आरक्षित वर्ग के हैं। एक समय था इस भर्ती में जो महाघोटाला हुआ था, आरक्षण घोटाला हुआ था, उसके लिए इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी और लगभग 4 साल एक बड़ा संघर्ष किया था। उस संघर्ष के बाद इनको न्याय मिला, वही कहावत चरितार्थ हुई, सच परेशान हुआ। 4 साल तक ये लोग परेशान हुए, किंतु उसका रिजल्ट आया, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने निर्णय सुनाया, किंतु आज फिर उसी पे ये लोग अटके हुए हैं कि ये लोग हार का सामना कर रहे हैं, किंतु इनकी उम्मीदें आज भी जगी हुई हैं और इनको पूरा भरोसा है ये सच के साथ हैं, ये उस सच के साथ हैं जिस सच को विभाग के पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है, विभाग के तमाम शीर्ष अधिकारियों ने माना है, किंतु शीर्ष अधिकारियों की भ्रष्टाचार रवैया ये इनको कहीं न कहीं कुंठित कर रही है। सब कुछ जानते हुए भी आज हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी इनको आज नियुक्ति नहीं दी जा रही है। ये लगभग 6 दिनों से यहाँ राजधानी लखनऊ में अपनी भर्ती पूरी किए जाने की मांग कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं, नई सूची जारी किए जाने की मांग कर रहे हैं कोर्ट के अनुपालन में जो आदेश दिया गया है। इस समय हमारे साथ अमरेन जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने किया है इस शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए, आरक्षण वहां घोटाला हुआ जिसका भी खुलासा आप ही लोगों ने किया था, जिसके आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग से लेके तमाम एजेंसियों ने माना, हाई कोर्ट ने भी माना, तभी तो आज जो है आप लोगों के पक्ष में फैसला दिया गया। किंतु ऐसा क्या हो रहा है कि अब फिर ये मामला लटकाते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग, कौन लोग ऐसे हैं जो इस मामले में पेच फंसाना चाहते हैं? देखिए, हाईकोर्ट का आदेश आया गया है और इस स्पष्ट आदेश आया है कि इस भर्ती में पूरा रिजर्वेशन का स्कैम हुआ है और पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी को मानते हुए, रिजर्वेशन के जो नियम कानून है उसको मानते हुए फिर से एक नई लिस्ट बनाई जाए। पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती की जो लिस्ट पहले से बनी थी उसको गलत माना है। अब लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक मीटिंग की, मीटिंग में दिशा निर्देश दिया कि बहुत जल्द आदेशित किया कि बहुत जल्द एक पूरी फ्रेश लिस्ट बनाई जाएगी और किसी का बिना हित करते हुए, चाहे वह आरक्षित वर्ग के हो चाहे अनारक्षित वर्ग। अब इसमें 2 पीच आ गए हैं कि अगर रिजर्वेशन का स्कैम हुआ था, अगर हम लोगों को रखेंगे तो 69,000 में ही रखना होगा और जो लोग पहले से इसमें नौकरी गलत तरीके से कर रहे हैं उनको बाहर करना होगा। तो इसी पे लगातार पेच चल रही है, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी बना लिए हैं, चले गए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो 4-5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए क्या हो रहा है, उनके लिए ये सरकार क्या सोच रही है? भाई, पहले जो दर्द में ऑलरेडी है, ऑलरेडी था, उसको इलाज उसको मिलने चाहिए ना। जो निकलेगा नहीं निकलेगा, अभी तो वो खुश है ना, 4 साल वो नौकरी किए हैं, हमारे हिस्से का वेतन लिए हैं, हमारे हिस्से का मान सम्मान स्वाभिमान लिए हैं। लेकिन सरकार लगातार उनके लिए काम कर रही है कि इनको कैसे एडजस्ट किया जाए, फिर इनको एडजस्ट किया जाएगा, नहीं ये गलत बात है। उत्तर प्रदेश सरकार को पहले जो ये अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी थे, इनको तमाम अधिकारियों पर सज़ा सुनाई देनी चाहिए थी, इन सभी लोगों को जेल भेजना चाहिए था। कम से कम ये तो पता चले कि उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन के खिलाफ कौन है, कौन ये चाहता है कि रिजर्व कैटेगरी के बच्चे अभी तक 4 साल तक सड़कों पे किसके बदौलत रहे। उन सभी को चिन्हित करके आदेशित करना चाहिए था कि नहीं, और फिर से नए अधिकारियों को अपॉइंट करके फिर नए तरीके से पूरी लिस्ट बनवानी चाहिए। बताइए, जो इंसान, जो अधिकारी पहले गलती कर चुका है, क्या वो आपके साथ सही करेगा? नहीं करेगा। वो फिर वही एक सच छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलेगा वो, तो कहीं ना कहीं इस पर पूरा आशंका है। हम लोग लगातार अभी SCRT पे आंदोलन कर रहे थे, बहुत भारी संख्या में थे, सरकार शासन प्रशासन के लोगों ने ये आश्वस्त कराया है कि आप लोगों के लिए, आपके हित में काम हो रहा है और UP पुलिस का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा आप लोग शांत हुए। तो हम लोग देखिए सरकार के लोग हैं, हम लोग को लिस्ट भी आ चुकी थी, हम लोग अपने आप को बेसिक का हिस्सा मानते हैं और बड़ी शांतिपूर्वक आके लखनऊ में फिर से, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से फिर से सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि अगर हम लोगों के साथ जल्द से जल्द न्याय ना हुआ, जल्द से जल्द कोई ठोस कदम ना उठाया गया, तो फिर से पूरे प्रदेश में पिछड़े दलित संगठनों के साथ हम सड़कों पे उतरेंगे और अब ये मनमानी नहीं चलेगी कि हम 4 साल से पीड़ित भी रहें और इंतज़ार भी करें। बताइए, आज कंप्यूटर के ज़माना है, कितना टाइम लगता होगा किसी लिस्ट को रिविजिट करने में, किसी लिस्ट को बनाने में?
दस मिनट बीस मिनट आधा घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो है जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग, जिन लोगों को आप लोगों की सीटों पर भर लिया गया है, उन लोगों को क्या करेंगे, हटाएंगे कि उनको समायोजित करेंगे? सबसे बड़ा तो सवाल उनके सामने यह खड़ा हो रहा होगा। सवाल क्या है, गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है, गवर्नमेंट के पास कैबिनेट है, कैबिनेट से पद पास करके बहुत सारी चीज़ें हैं। और रही बात इस बात पे लोग क्यों सोच रहे हैं कि चार साल से वो संघर्ष कर वो नौकरी कर रहे थे निकले, ये हमारे चार साल के जो संघर्ष को क्यों नहीं देखा जा रहा है? भाई आप अब हमारे जगह पर वेतन ले रहे हैं, हमारे जगह का सुख चैन ले रहे हैं, तो आप तो अभी खुश हैं ना? भी चार छः साल उनको भी संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया जाए, फिर सरकार उनको भी मर्सी बेस पे रख लेगी। भाई देश और प्रदेश में लगेगा कि नहीं इनके साथ गलत हो रहा है तो उनको भी रख लें, अब फिर उनको बीएसए बना दें, डीएम बना दें, फ्री में उनका वेतन दें, उनका लोन भरे, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो इसलिए हमें नौकरी चाहिए ना, हमें हमारे चार साल के सफ़र को ख़त्म करना चाहिए ना। अब जब कोर्ट ने मान लिया, कोर्ट से बड़ा तो कोई है नहीं ना, कोर्ट ने कह दिया ना कि ये एलिजिबल कैंडिडेट हैं और इनको नौकरी में होना चाहिए, क्यों? ये सवाल सबको पूछना चाहिए, मीडिया चैनल बंधुओं को भी पूछना चाहिए कि भाई किसी एक की पीड़ा आप मत दिखाइए। वो चार साल से संघर्ष कर रहे थे, अब बाहर होंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सारी समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन हम चार साल से नौकरी नहीं कर रहे हैं, हमारी समस्याएं तो ऐसी हैं कि हमारे कितने भाई हार्ट अटैक आ गया, कितने भाई अपने जीवन लीला ख़त्म कर लिए, कितने माँ बाप इस सपनों में रह गए कि हमारे बच्चे की शादी होगी, हमारा परिवार का उज्ज्वल भविष्य होगा, हमारा बेटा नौकरी पाएगा, लेकिन कभी किसी की नहीं हुई। ये दर्द बड़ा है कि वो दर्द बड़ा है कि हमारे पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हो गई, बड़े बड़े प्लॉट हो गए, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो दर्द बड़ा है? आप ही बताइए, दर्द हमारा बड़ा है कि उनका बड़ा है? दोनों में देख लिया जाए किसका दर्द बड़ा है। बहरहाल हम ये भी चाहते हैं कि उनके साथ भी कोई गलत ना हो, उनके साथ भी कोई मिसहैपनिंग ना हो, उनके लिए भी सरकार बहुत पावरफुल है, हमें हमारी जगहों पर शिफ्ट कर दिया जाए, उनके लिए कोई भी प्लान बना लिया जाए, उसके लिए हम लाभ ले जाएंगे। इन शिक्षक अभ्यर्थियों को डर सता रहा है कि अनारक्षित वर्ग के लोग यदि सुप्रीम कोर्ट चले गए तो मामला और लंबित हो जाएगा। इसी क्रम में आपको बता दें कि जिस तरह से इन लोगों ने इस शिक्षक भर्ती में जब आरक्षण घोटाला हुआ था उजागर करने के लिए और अपनी मांगों को लेकर चार साल का एक लंबा प्रदर्शन किया था, उसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लिया था तो एक जाँच बैठा कर 6800 की सूची जारी की गई थी, तब इनके चेहरे पर मुस्कान आई थी कि अब हम लोग को न्याय मिल चुका है, किंतु वो भी आज तक धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है और मामला कोर्ट में चला गया एक षड्यंत्र के तहत। उसके बाद हवाला दिया जाने लगा कि मामला कोर्ट में चला गया, मुख्यमंत्री जी के आदेश को कैसे पारित किया जाए, कैसे उसको धरातल पर लाया जाए। किंतु आज हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो फैसला सुनाया है इनके पक्ष में, उसके बाद अब देरी हो रही है, फिर एक बार वही सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरह 6800 की सूची जारी होने के बाद इनके चेहरे पर जो मुस्कान बिखरी थी, क्या वह मुस्कान दोबारा फिर आएगी? इसी क्रम में हमारे साथ एक शिक्षक अभ्यर्थी और हैं, बीरेन जी। बीरेन जी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? जिस तरह से आप लोगों के चेहरों को कभी हंसाया जाता है, कभी एक उम्मीद जगाई जाती है, उसके बाद फिर पता चलता है कि सब धरा का धरा रह गया। देखिए, ये भर्ती जो है ना, वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हो गई है। जैसा भी आपने कहा कि वो 5 जनवरी 2022 का वो दिन, वो शाम का समय जब लिस्ट आई थी, पूरा प्रदेश इस बात का गवाह, हम लोग यहीं गार्डन में थे, बड़ा अच्छा लगा था, हमारे घरों में खुशियां आई थी, 6800 परिवारों में दीपक जले थे कि नहीं हमारे बच्चे नौकरी करेंगे। लेकिन वो हुआ क्या, सरकार की हीला हवाली, अधिकारियों की गलती, मामला कोर्ट में गया, वहाँ लिस्ट क्वेश हुई, सिंगल बेंच से हमारे फिर डबल बेंच गए, डबल बेंच से हम जीते। लेकिन आज भी सवाल वही है कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, हाई कोर्ट के आदेश के बाद न्याय नहीं कर पा रहे हैं। सर, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा व्यक्तिगत हो जाएगा, कि एक संख्या हो सकती है समाज को सुनने के लिए, व्यक्ति को सुनने के लिए, अगर ये चार साल से बैठे हुए हैं, लेकिन ये चार साल नहीं है, ये चार रातें, 400 साल की रातें, 4 साल की जो दिन और रात दोनों होते हैं, इन 4 सालों में हमारे जो सपने थे, जो संभावनाएं हमारे जीवन में बन सकती थी, जो हम लोगों ने सपने देखे थे, जो हमारे माता पिता ने, हमारे परिवार ने सपने देखे थे, हमारे बच्चों ने देखे थे सपने, जो हमने खुद देखे थे, वो सपने मर गए हैं सर, दफन हो गए हैं। हो सकता है आने वाले समय में नौकरी भी मिल जाएगी, हाई कोर्ट से मिला है आदेश, सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश मिलेगा, नौकरी मिलेगी, लेकिन ये जो 4 साल हमारे छीन लिए गए, हमारे सपनों को छीन लिया गया, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, हमें हिंदू बोला जाता है,
अभी हिंदू गौरव दिवस मनाया जा रहा था, 21 अगस्त को मनाया गया है, क्या हम हिंदू नहीं है क्या? जब चुनाव आता है तो हम हिंदू हो जाते हैं। कहाँ था रक्षाबंधन जब हम यहीं इको गार्डन बैठे थे? दीपावली आई, आप गवाह हैं इस बात के, पूरा प्रदेश इस बात का गवाह है, दीपावली हमारी यहीं पर बीती है। जब हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है कि हमें बताया जाता है बार बार, हम मानते हैं अपने आप को हिंदू, लेकिन जब वक्त आता है तो बताया जाता है कि तुम हिंदू नहीं हो, यू आर नॉट हिंदू, यू आर बैकवर्ड एंड दलित, हमें पिछड़ा और दलित माना जाता है। कहा जाता है शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, कहाँ का योगी का सम्मान? अभी पेपर में न्यूज़ निकली थी कि योगी विश्व में भारत के नंबर एक मुख्यमंत्री हैं। काहे के मुख्यमंत्री हैं भैया? आपके आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है, संविधान को मारा जा रहा है। जब हम चिल्लाते सड़कों पर कहते थे ये सपा के लोग हैं, विपक्ष के बैठाए हुए लोग हैं और टोपी लगाकर वहाँ पे धरना कर रहे हैं। 6800 की सूची तो सपा ने निकाली नहीं थी, तो योगी आदित्यनाथ के ही आदेश के अनुसार निकली थी। सर ये बड़ी बहुत बड़ा सवाल है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, भाजपा ने स्वीकारा, मुख्यमंत्री ने स्वीकारा, अब कोर्ट स्वीकार रही है इस बात को, लेकिन आज तक ये नहीं तय हो पाया कि घोटाला किया किसने। बाबा का बुलडोजर एक एक घटनाओं पर आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में, चाहे वो इलाहाबाद हो चाहे अयोध्या, तुरंत चल जाता है। लेकिन इतना बड़ा स्कैम हुआ, लगभग 8-10 हज़ार लोगों की नौकरी छीन ली गई, अब तो बाकायदा कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, कहाँ है बुलडोजर, चलेगा क्या? अभी तक ये नहीं तय हो पाया घोटाला किया किसने। खाना पूर्ति की जा रही है, ठीक है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए सरकार बहुत सचेत है, उनके भविष्य की चिंता है, हमारा भविष्य क्या? जो हमारा भूत बीत गया, जो हमारा वर्तमान खराब हो रहा है, एक एक दिन एक एक पल हम लोग कैसे जी रहे हैं? यहाँ खाने की क्या व्यवस्था है, पहनने की क्या व्यवस्था है, रहने की क्या व्यवस्था है? जब हम बीमार होते हैं तो हमारे पास दवाओं के पैसे नहीं होते हैं। 640 दिन और आज 6 दिन, उससे पहले 208 दिन, अगर जोड़ेंगे सर तो लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय हो जा रहा है। कहाँ है न्याय, कहाँ है उत्तर प्रदेश सरकार में? कहते हैं राम राज्य है, बेटियाँ घरों से बाहर संघर्ष कर रही हैं, सड़कों पर अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, रो रही हैं। अगर यही राम राज्य है जहाँ गुरुओं का सम्मान नहीं है, जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं है, जहाँ बेटियों का सम्मान नहीं है, 12:30 बजे CRTC से बच्चों को उठाकर कहीं फेंक दिया जा रहा है, यही राम राज्य है? उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि सड़कों पर बेटियाँ सुरक्षित है, या CRTC जो कि महानिदेशालय है, उत्तर प्रदेश का दिल कहा जाता है, वहाँ बच्चे सुरक्षित नहीं है, कहे का राम राज्य भैया? अगर यही राम राज्य है जहाँ पर हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अगर हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो फिर ऐसा राम राज्य हमें नहीं चाहिए। हमारा संविधान ठीक है, हमें संविधान पर ही अगर देश चलेगा, संविधान से ही न्याय मिलेगा, वही हमारे लिए ठीक है। हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए जहाँ पर युवाओं के साथ, बहुजनों के साथ, दलितों के साथ, बच्चियों के साथ, युवाओं के साथ, शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उप मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है साहब, केशव मौर्या जी उप मुख्यमंत्री हैं, स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का, लेकिन स्वागत करने से क्या हमें लाभ मिल जाएगा? क्या हमें न्याय मिल गया? क्या धरातल पर तो दिखना चाहिए, आगे बढ़कर आइए ना, कि गलत हुआ बच्चों के साथ, न्याय हो रहा है, हम न्याय देने जा रहे हैं, दीजिए न्याय। ओम प्रकाश राजभर का बयान आ रहा है कि हम स्वागत करते हैं इस फैसले का, हमने बहुत प्रयास किया है, कहाँ है ओम प्रकाश राजभर? उस दौरान तो उन्होंने टिप्पणी भी की थी, वो टिप्पणी जो की थी उन्होंने, वो लोकसभा चुनाव में उनको रिजल्ट मिल चुका है, उन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं वो लात खाने लायक हैं, उसका उनको परिणाम मिल चुका है। देखिए अनुप्रिया जी हैं, केशव मौर्या जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, स्वतंत्र देव जी हैं, भूपेंद्र चौधरी जी हैं, सब पिछड़ों के नेता करते हैं, ये सब पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ों के मसीहा बनने का नाटक करते हैं, अगर एक्चुअल में है तो आइए ना, छोड़िए ना कुर्सी। तो क्या ये माना जाए जब हाई कोर्ट के डबल बेंच से आप लोगों के पक्ष में आदेश हो चुका और जो लोग टिप्पणी करते थे अब इस आदेश के बाद उनको समझ में आ गया नियुक्ति तो इनको अब मिलनी ही मिलनी है, तभी तो आपके पक्ष में बोलने लगे? देखिए जब हवाएं विपरीत होती हैं तो आपको कोई भी कुत्ता, अगर आप ऊंट पे बैठे कुत्ता गड़कर चला जाता है। हमें ऐसा कई बार हमें कहा गया कि आंदोलनकारी हैं, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इनको फंडिंग की जाती है, ये बैठाए हुए लोग हैं। तो साहब जो लिस्ट निकाली 6800 की ना, वो अखिलेश ने नहीं निकाली थी, मायावती की लिस्ट नहीं थी, वो माननीय योगी जी की लिस्ट थी, और वही 6800 का मैं हिस्सा हूँ जो मुख्यमंत्री जी ने निकाला था, मैं उसी आदेश का हिस्सा हूँ जो माननीय कोर्ट ने कहा कि गलत हुआ है बच्चों के साथ, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। तो अब ये कौन तय करेगा कि हम सही हैं कि आप सही हैं? एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, ये चेतावनी नहीं है, ये हमारे दिल की आवाज़ निकल कर आ रही है। लोकसभा का चुनाव आपने देख लिया, विधानसभा भी आ गया है, शिक्षक की गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पड़ता है साहब, अगर हम प्रलय निर्माण का कार्य कर सकते हैं तो हम प्रलय भी कर सकते हैं। मैंने एक बार और बोला था और आज फिर से बोल रहा हूँ कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा ना, तो कुर्सी आपको भी नहीं मिलेगी। विजय जी, 69,000 शिक्षक भर्ती में इतना लंबा संघर्ष, आखिर क्यों, कब तक? जब तक सरकार चाहेगी, और हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद
मुझे नहीं लगता था कि अगले 2-3 दिन भी बैठने पड़ेंगे, लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए, ऐसी कौन सी वजह है, शायद इस उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं पता, कि इस सरकार में ऐसा भी हुआ है कि आज आदेश हुआ हो और अगले घंटे किसी का घर गिरा दिया गया हो। यही मुख्यमंत्री हैं, जब भी कोई मामला सामने आता था, गोमती नगर की घटना आपके सामने है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपराधी बक्से नहीं जाएंगे, 15 लोगों को आनन फानन में उठा के पूरे देश के सामने रख दिया गया कि ये लोग हैं जिन्होंने गोमती नगर में घटना में जिनकी संलिप्तता थी और उनको हमने सजा दी है। आप सोचिए उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा अधिकारी है जिसने 69 जगह शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला किया, और मैं तो सोच रहा हूँ कि कितना पावरफुल आदमी है कि मुख्यमंत्री का भी जो है, मुख्यमंत्री की भी हिम्मत नहीं हो रही उसका नाम ले सकें। और उसी दिन ये तय हो गया जब मुख्यमंत्री जी ने दोबारा इस मामले का संज्ञान लिया और कहा कि हम जो है अपील नहीं करेंगे आगे सुप्रीम कोर्ट में और इन अभ्यर्थियों को न्याय देंगे। उस दिन हम लोग उम्मीद कर रहे थे कम से कम आज मीटिंग के बाद ये तय हो जाएगा, जवाबदेही तय हो जाएगी कि कौन गुनाहगार था। ये 4 साल से जो बच्चे सड़कों पर टहलते रहे, इनका भविष्य बर्बाद किया गया, कौन ऐसा व्यक्ति था जो अपने आप को संविधान से ऊपर मानता था। मुझे उम्मीद थी कि शायद उसका नाम अब सामने आ जाए, क्योंकि दोबारा ये घटना सामने आई है और 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आ गई, सब कुछ हो गया, नियुक्ति पत्र नहीं मिला, फिर 2 साल तक वो जिन जस का तस बना रहा, और फिर अगर बाहर निकला है बोतल से और फिर अभ्यर्थियों को संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ अधिकारियों की संलिप्तता नहीं है, इसमें सरकार में बैठे कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका नाम बाहर आने से इस सरकार पे बहुत ख़राब असर पड़ेगा, इसीलिए उन अधिकारियों को बचाया जा रहा है। और आप देखिए, हम लोग मीडिया में यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद भी अधिकारी एक भी कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार थे? हम लोग कहते थे कि आप देखिए, अगर 4 दिन भी नहीं बीतेगा कोई ना कोई जो है आदमी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को फंसा देगा। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये जो मीटिंग्स है और जो तमाम तैयारियों किए जाने का खाका बनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, आप लोगों को समझाया जा रहा है, यह बात सही है, या यह बात सही है कि अनारक्षित वर्ग को किसी तरह सुप्रीम कोर्ट भेजे जाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है? देखिए, पूरा फोकस इस बात पर है कि इस चोरी को छिपाया कैसे जाए। अनारक्षित आरक्षित तो छोड़ ही दीजिए आप, पूरी कोशिश इस बात में हो रही है, अधिकारी जो हैं जो घोटाले में शामिल रहे, जो संलिप्तता जिनकी रही, जिन्होंने चोरियाँ की, पैसे ले लेके लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए, वो पूरा फोकस इस बात पर रख रहे हैं कि उस चोरी को छुपाया कैसे जाए। क्योंकि अब तो माननीय न्यायालय ने कह दिया कि पूरी चयन सूची को दोबारा बनाया जाए, अतीत में जो चयन सूचियाँ बनी हैं उनको इग्नोर करते हुए नई सूची बनाई जाए। तो इस बीच में जो पैसे लेके नियुक्तियाँ इन्होंने की हैं, अब जब नई सूची बना के दे देंगे तो उसमें वो नाम भी तो आएंगे ना, और उनको शामिल नहीं करेंगे तो उनकी चोरी सामने आ जाएगी, शामिल करेंगे तो हम लोग पकड़ेंगे उनकी चोरी, तो उन सब को कैसे छुपाया जाए, ये मामला खुले ना, और चोरी किसके स्तर पे, किसके कहने पे हुई वो देश दुनिया के सामने ना आ पाए, इसी जुगत में सभी अधिकारी लगे हुए हैं, पूरा विभाग लगा हुआ है। अदरवाइज जो ये मामला था ये घंटे भर का भी मामला नहीं है। शायद इसी कारण जो खुशियाँ आप लोगों के चेहरे पर अभी आई थी वो मुरझाते हुए दिख रही हैं। हम लोग खुश हैं ही नहीं, हम आपको बताएं, जब जजमेंट आया अपने फेवर में होना तो ये चाहिए था कि हम लोग बहुत खुश होते, लेकिन चूंकि हम लोग दूध के जले हैं तो छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं, और इतना दबाव हम लोग इसीलिए बनाना चाह रहे थे, 2-3 दिन आंदोलन हम लोगों ने SCRT कार्यालय पे किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमको पता है कि अधिकारी ऐसे हैं, सरकार तो वही है, मंत्री शिक्षा मंत्री तो बदल गए, लेकिन जिन्होंने लिस्ट बनाई, जिन्होंने घोटाला किया, वो अधिकारी आज भी तो अपने पदों पर बैठे, तो उनके रहते जिन्होंने चोरी की, जो अपने आप को ईमानदार बताते रहे, तो आज कैसे वो साबित कर लेंगे। और मैं बताऊं, इस भर्ती में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, इतने बड़े पैमाने पर पैसे ले लेके नियुक्तियां की गई हैं कि आप देखते जाइए, जिस दिन भी, आज ना सही, जब भी ये लिस्ट सार्वजनिक होगी आप देखेंगे इसमें बहुत बहुत सफ़ेदपोश, बहुत बहुत अफसर, सब फंसेंगे इसमें और सबका नाम बाहर आएगा। अभी तक तो हम लोग सिर्फ नौकरी की लड़ाई लड़ रहे थे, आगे अब चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, अगर सरकार लिस्ट निकाल के, अभी भी मौका है कि अगर अधिकारी अभी लिस्ट निकाल के सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने से पहले अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देते हैं, तब तो हमारी प्रेयर सिर्फ इतनी होगी कि हम ऑर्डर का डिफेंड करेंगे, नहीं तो अब हम अधिकारियों को जेल भेजने, कार्रवाई करने और वेतन की रिकवरी की भी अपील करके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट में बात रखेंगे जो हमारे 4 साल बर्बाद किए गए वो वेतन इन अधिकारियों के वेतन से काट के दिए जाए। फिर ये धरना प्रदर्शन कब तक? ये धरना प्रदर्शन तो तब तक चलेगा, 640 दिन हमारे पहले बर्बाद किए गए, 4 साल टोटल बर्बाद किए गए, अब 3 महीने का समय दिया है माननीय न्यायालय ने, तो 90 दिन तो हम लोगों को बिल्कुल डटे रहना है, जब तक लिस्ट आ नहीं जाती, जब तक अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं हो जाते तब तक आंदोलन चलता रहेगा। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सूबे के मुखिया हैं, क्या मांग करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ यही अपील करना चाहते हैं, हम सभी साथी, पूरे आरक्षित वर्ग के लोग, कि देखिए आप सिर्फ सवर्णों के मुखिया नहीं हैं,
और जब हम लोग आपसे मिलने गए थे तभी आपने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जो दलित और पिछड़ों को जो है आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। मेरी कुछ सीमाएं हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकता जो हमारी उनकी वहाँ पे बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि हैं सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग जो नहीं चाहते कि दलित और पिछड़ों के बच्चे आगे बढ़ें, और आपकी सरकार आपके साथ है, हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इतनी अपील करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री होने से पहले एक साधु हैं, और जिस कुल में जन्म होने को आप कहते हैं कि कोई शर्म की बात नहीं है, तो उनका एक उसूल और था कि वो जो वचन देते थे उसको पूरा भी करते थे। तो आप तो छत्री हैं, आप जो है साधु हैं, एक संत हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी कौन सा ऐसा अधिकारी है भाई जो आपसे भी ऊपर है, आपके कहे कई बातों को नहीं मान रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश, जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि इस मामले में और कोई हिलावाली नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द इस मामले का समाधान होना चाहिए। तो हम लोग उम्मीद करें कि जल्द से जल्द लिस्ट आएगी और नियुक्ति पत्र। देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास, एक नया अध्याय लिख रहा है, और लगभग 4 साल से ऊपर के समय बीत चुके हैं, और इन समय के दौरान जिस तरह से शिक्षक आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने दंश झेला है, 4 साल तक धरना प्रदर्शन इसी इको गार्डन में किया, धूप झेली, ठंडी झेली, बरसात झेली, भूखे रहे, भिक्षा तक मांगे अपने खाने पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, इनके चेहरे पर उसके बाद एक बार 6800 की सूची निकलने के बाद जो खुशियां आई थी वो भी मुरझा गई। उसके बाद मामला कोर्ट में लंबित होने का बहाना, कोर्ट से भी आदेश जब आ गया तो आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है जिसका इनको भय था। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम एकता है, मैं जौनपुर से हूँ। बस यही कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारी लड़ाई जो है वो सरकार से नहीं है, सरकार में बैठे हुए कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं उनसे है हमारी लड़ाई, और ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें नौकरी से वंचित किया है, और आज फिर से इन्हीं के हाथ में वो लिस्ट बनाने का पूरा जिम्मा दिया गया है कि ये हमारी लिस्ट फिर से बनाए और हमें जो है नियुक्ति तक पहुंचाए। लेकिन हमें इसी बात का डर था और वही हुआ है, और इसीलिए हम लोगों को जो है फिर से प्रोटेस्ट पर आकर बैठना पड़ा है, क्योंकि ये वही भ्रष्ट अधिकारी है जिन्होंने हमारी नौकरी हमसे छीनी है। तो हम कैसे इन पर विश्वास कर लें कि ये वही अधिकारी हमें फिर से हमारी नौकरी तक हमें पहुँचा पाएंगे? एक एक्सेल शीट बनाने के लिए कितना समय लगता है, आजकल डिजिटल जमाना है, एक क्लिक पे लिस्ट पूरी हाजिर है, बट फिर भी ये बच्चे, ये जो अधिकारी हैं, ये इन बच्चों को प्रायोरिटी दी जा रही है जो कि जनरल के बच्चे हैं। उस दिन एक वाक्य हम आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे, जनरल के बच्चे आए थे 2 दिन पहले SCRT कार्यालय पे, इतनी ज़्यादा वरीयता उनको दी जा रही थी, उनके प्रोटेस्ट को सराहना की जा रही थी, और वहीं दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों को शांत करके बिठा दिया जा रहा था। रात के 12:30 बजे सारी लड़कियों को वहाँ से SCRT कार्यालय से निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दलित और पिछड़े वर्ग की हैं। आपसे यही कहना चाहेंगे कि भाई, जहाँ आप कहते हैं कि भाई योगी के राज में बहन बेटियाँ सड़कों पे सुरक्षित हैं, आपके शिक्षा निदेशालय में लड़कियाँ सुरक्षित नहीं थी। क्यों उन्हें 12:30 बजे रात को लड़कियों को वहाँ से आपके शिक्षा निदेशालय से बाहर निकाल दिया जाता है? कहाँ भेजा गया फिर? वहाँ से हमारे लिए कोई व्यवस्था की गई थी, एक होटल में रुकने के लिए बंदोबस्त किया गया था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उस दिन के लिए था। उसके बाद हमें जो है वहाँ से हटा दिया जाता है, आप जाइए, आपको जहाँ रहना है आप रहिए, इस प्रकार से हमारे साथ में बिहेव किया गया था। फिलहाल आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या अपील करती है? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जैसा आपने ट्वीट किया है कि इनको जो है वो त्वरित से त्वरित न्याय दिया जाए, तो इस त्वरित न्याय के लिए वेट क्यों किया जा रहा है? अब तक आप संसद में जब भी बात उठती थी कहते थे ये मामला जो है वो न्यायालय में लंबित है। इस बात को हम लोग सुनते सुनते अब तो हाई कोर्ट ने भी मान लिया है कि भाई ये जो सूची है इसे रद्द कर दी जाए, फ्रेश लिस्ट जो है वो मदर लिस्ट जो है जारी की जाए। तो अब किस चीज़ की देरी हो रही है? हमें बताया जा रहा है कि भाई 90 डेज का टाइम ड्यूरेशन दिया है। 90 डेज में क्या 90 दिन जो होता है उसी दिन आपका कार्य शुरू होता है? क्या पहले दिन से कार्य शुरू नहीं हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे? धनंजय गुप्ता देवरिया से। सर, हम तो ऐसे परिवार से आते हैं, बिलोंग करते हैं हमारे जितने लोग हैं, जहाँ जगने से लेकर के सोने तक का हम सफ़र करते हैं। उस सफ़र को करते हुए हम लोगों ने जो है पूरा जो भर्ती के जितने मानक हुए परिवार में खुशियाँ आई कि हमारा ही परिवार के आगे ऊपर उठ करके जो है शिक्षक हमारे परिवार में कोई बनेगा। लेकिन विभाग में बैठे हुए मनुवादी विचारधारा को जो हजारों सालों से सदियों से दबाते चले आए थे, उनकी मानसिकता आज भी जगजाहिर हो गई माननीय हाईकोर्ट के न्यायालय के आदेश बाद। हम पिछले 4 सालों से लाठियां डंडे खा रहे थे, लेकिन वही मनुवादी विचारधारा के बैठे हुए वरिष्ठतम उसमें अधिकारी सबसे ऊपर सबसे बड़ी कुर्सी पर वो बार बार सिरे से नकारते रहे कि एक भी आरक्षण में घोटाला नहीं है। लेकिन माननीय हाईकोर्ट का हम लोग जो है सम्मान करते हैं, वहाँ से हमको पूरा
देश और दुनिया को पता चला कि जैसे हजारों साल जैसे हमारी हमें पढ़ाई लिखाई से इनको उन्होंने वंचित कर रखा था, वो आज भी चाहते हैं कि पढ़े लिखे जो पिछड़े और दलित वर्ग जो है आज भी हमारे सामने ये कुर्सी बैठने के अधिकारी नहीं है। आज भी उनकी हैसियत जैसे हमारे पिछले ज़माने में जो है उनका जो है जूता साफ करना, कपड़े साफ करना, यहाँ तक कि उनके शौचालय साफ करना, वो आज भी चाहते हैं। ये मेरिट लाने के बावजूद भी आज भी वो चाहते कि जस के तस भले ही इनको इतना डिमोलाइज कर दो ताकि भविष्य में ये पढ़ने की कोशिश ना कर दें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर ऐसा कार्रवाई करिए ताकि भविष्य में, मैं एक हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता रह चुका हूँ आपके गोरखपुर से, एक कार्यकर्ता होने के चाहते माननीय, मुझे आज शर्म आती है, मुझे लज्जा आती है कि मैं उसी हिंदू युवा वाहिनी का सदस्य था जिसके वजह से आज मुझे खुशी भी हुई थी। उस समय हमने मिठाइयाँ बांटे थे कि हमारे माननीय जी है सांसद से माननीय मुख्यमंत्री जी बन गए, लेकिन हमें 1% आशा नहीं थी कि आज भी विभाग में ऐसे मनुवादी विचारधारा के बैठे हुए अधिकारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बात, इससे अच्छे तो हमारे लिए सांसद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें तो इनका जांच कराइए, जो अधिकारी इसमें शामिल है कहीं ये विपक्ष से पैसे लेकर के तो ही आपकी राजनीति छवि तो नहीं खराब करना है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आज माननीय हाईकोर्ट ने भी माना है, पूरा देश दुनिया यहाँ तक कि आपने भी स्वीकार किया है कि हम जो हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे विनती है, अब इस मैटर पर जो है राजनीति मत करिए, जल्द से जल्द हम लोग जो है विद्यालय में भेजिए, क्योंकि हम पिछले 6 दिनों से हम चिल्ला रहे हैं, 4 दिनों से चिल्ला रहे हैं जब से आया मेरा जजमेंट, कि विभाग में बैठा हुआ ऐसा भ्रष्ट अधिकारी है जो अपने लोगों को आगे भेज करके सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आपने बिल्कुल इस बात को इग्नोर किया और उसका जीता जाता उगाड़ा कि आज सुप्रीम में मामला कोर्ट में चला गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको राजनीति की छवि को जीरो करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग को विद्यालय में भेजिए और जल्द से जल्द उनके जो है बुलडोजर चलाइए, और जितना भी कार्रवाई होती है हमारे चार चार भाइयों ने आत्महत्या करिए, उसी अधिकारी से जो है पूरा रिकवरी कराइए, तब हम लोग को असली न्याय मिलेगा। धन्यवाद। तो ये लोग हैं आरक्षण वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आंदोलन छेड़ रखे हैं और लगातार इस बार फिर 6 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सरकार ने भी माना है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना है, कोर्ट ने भी माना है कि आरक्षण घोटाला हुआ था, तभी आज सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच द्वारा इनके पक्ष में आदेश पारित हुआ है। उसके बावजूद भी ये लोग अभी भी नियुक्ति से वंचित हैं। अब तो आने वाला समय बताएगा कि क्या षड्यंत्र चल रहा है, क्या इनके बारे में सरकार सही दिशा में फैसला ले रही है, ये तो इनका दिल जान रहा है। और इसी बात से लोग भयभीत हैं, षड्यंत्र से भयभीत हैं कि कहीं मामला षड्यंत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो इन लोगों का मामला और लंबित हो जाएगा। फिर भी इन लोगों को आज भी भरोसा है, ये लोग सच के साथ हैं, सच की हमेशा जीत होती है, उसी सच्चाई पर आज सत्याग्रह कर रहे हैं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।